रांची विश्वविद्यालय ने अपना 35वां दीक्षांत समारोह मनाया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी कुमार, झारखंड के राज्यपाल सहित झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेश बैस समेत पूरा विश्वविद्यालय परिवार उपस्थित रहा। दीक्षांत समारोह में टॉपर विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, साथ ही सभी PhD होल्डर्स को उनकी तिगरी सौंपी गई। इस दौरान महामहिम राज्यपाल ने छात्राओं के लिए कहा कि इसे भी विद्यार्थी का एक खुशी का पल दीक्षांत समारोह होता है। उन्होंने जो अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण किया और इसकी डिग्री जब उसके हाथ में आती है तो यह दीक्षांत समारोह एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं रांची विश्वविद्यालय के कुलपति कामिनी कुमार निकाह के दीक्षांत समारोह पर विद्यार्थी के लिए एक उत्सव के बराबर होता है। यह रांची विश्वविद्यालय के लिए भी एक उत्सव का दिन है। आज दीक्षांत समारोह में हमारे झारखंड की बेटियों ने अपना परचम लहराया। किसी भी विद्यार्थी का एक खुशी का पल जो होता है वो दीक्षांत समारोह होता है। उन्होंने जो अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण किया और उसकी डिग्री जब उसके हाथ में आती है, अगर पोस्टल से भेज दें तो उनको उतनी खुशी नहीं होती जितना दीक्षांत समारोह करके एक सामूहिक रूप से एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और सारे विद्यार्थियों के चेहरे में एक प्रसन्नता खिलती है। रांची विश्वविद्यालय झारखंड का पुराना विश्वविद्यालय है जिसकी एक गरिमा है। और आज मैंने अपने भाषण में भी कहा, इस गरिमा को हम और आगे ले जाएंगे और विश्व स्तर पर रांची विश्वविद्यालय का नाम आए। पहले नालंदा विश्वविद्यालय में बाहर से विदेश से लोग पढ़ने आते थे, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है कि हमारे देश के बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। इस परिस्थिति को बदलने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा और मुझे विश्वास है कि रांची विश्वविद्यालय झारखंड का नाम रोशन करेगा। देखिए, दीक्षांत समारोह किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा उत्सव होता है और ये रांची विश्वविद्यालय के लिए भी एक उत्सव का दिन है। इसको हमने बड़ी परेशानियों के बीच में आयोजित किया है और COVID-19 के साए में बच्चों ने इस बार परीक्षाएं भी दी हैं और उनके रिजल्ट्स भी निकले हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम उन्हें उनकी उपलब्धि के रूप में उनकी डिग्री उन्हें दे रहे हैं। 79 में से 39 जो बेटियां थी उन्होंने इस बार 35वें समारोह में बाजी मारी। देखिए, बच्चियों ने, रांची विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है कि वो बच्चियों की पढ़ाई के लिए हमेशा आगे आगे रहता है, लड़कियों को उत्साहित करता रहता है और इसी कारण हमारे यहाँ इस बार 2/3 गोल्ड मेडल बच्चियों के नाम से गए हैं। और हमारी बच्चियाँ जो हैं वो पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन करेंगी। आपको तो मालूम है कि अगर एक बच्ची को हम शिक्षा देंगे तो उससे 2 परिवार प्रकाशमान होंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।